गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नरेशन हम लोग समाप्त कर चुके थे, पिछले 11th वीडियो उसके मैंने दिए, आप लोग उनको देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस। कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस देखते हैं। जैसे जनरली आप लोग जानते हैं, हमारे जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं वो एस वी ओ से बनकर बने होते हैं। जब पैसिव वॉइस बनती है तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ एक न्यू हेल्पिंग वर्ब आती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है और बाई प्लस, और ये जो आप सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और नई हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन सारी बातों को हम कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेते हैं। नंबर वन देख लेते हैं। नंबर वन, एक्टिव से पैसिव बनाते समय समय सेंटेंस के अवस्था, अर्थ, अवस्था, अर्थ तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब आप समझे, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ना तो सेंटेंस का की अवस्था बदलेगी, उसकी डिग्री भी नहीं बदलती, ना अर्थ बदलता है और ना उसका टेंस बदलता है, वो सेम रहते हैं। सिर्फ उनमें जनरल अंतर आता है हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का। दूसरी बात देखें, एक्टिव से पैसिव बनाते समय मैं एक्टिव को ए लिखूंगा और पैसिव को पी लिखूंगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। दूसरी बात हो गई, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तीसरी बात हो गई, पैसिव वॉइस में नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तीन बातें हुई, इन्हें नोट कर ले। पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हम ये कह दें बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस संभव नहीं है। नहीं,
बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस संभव नहीं है। नंबर फाइव बात करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस बनाते समय समय ऑब्जेक्ट से पहले बाई अथवा किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके विशेष नियम है, मैं आपको बताऊंगा। नंबर सिक्स देखते हैं, एक नोट डाल के, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस संभव नहीं है। परंतु एक चीज और देख लीजिएगा इसको, परंतु कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ जब कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ जब प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो वो वे ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करने लगते हैं। शेष नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं, इसे नोट कर लें आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और तब उनका पैसिव वॉइस भी बन जाता है। मैं एग्जाम जैसे करके देख लें कौन कौन सी वर्ब आती हैं, एज, लुक, आफ्टर। लुक इंट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन आफ्टर के लग जाने की वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। टेक केयर, लाफ एट, ETC। फिर जब पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों का मैं पूरा एक एक पॉइंट एक एक चीज़ विस्तार से बताऊंगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और हर चीज़ की नोट्स बनाइए और
एक्सरसाइज भी करते रहिए। कोई दिक्कत है कमेंट करिए, मेरे चैनल मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।